हेलो फ्रेंड्स, मैं बॉक्सी चार्म का अपना जो है बॉक्स अनबॉक्स कर रही हूँ। फर्स्ट पैलेट जो था ये लकी ग्लो का था। इसमें जो है एक ब्लश, टू ब्रॉन्सर्स एंड थ्री हाइलाइटर्स थे। सबके रिव्यूज़ मैं अभी दूंगी। फाइव प्रोडक्ट्स मेरे को मिले थे। नेक्स्ट ये पैलेट था हाइलाइटर पैलेट मिल्क एंड हनी का। इसमें फोर हाइलाइटर्स मेरे को जो है मिले हैं। एक एक जो है प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैं दूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो लॉरा गैलर का एक प्राइमर है, हाइड्रेटिंग प्राइमर, इट वॉज गुड। सो ये एक मेकअप रिमूवर मुझे मिला था। एक ये मालिन एंड गर्ट्स का एक सीरम है, इसको मैं नाइट में यूज़ करूँगी। सो या स्टार्ट करते हैं। तो लॉरा गैलर का हाइड्रेटिंग प्राइमर जो है मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। सो इट वॉज गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। और ये फुल साइज़ प्रोडक्ट्स मेरे को मिले हैं, तो इसका रिव्यू तो अच्छा है। नेक्स्ट मैं लकी ग्लो का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मैंने इससे पहले अपने फेस पे बीबी क्रीम अप्लाई कर लिया था और सेटिंग पाउडर्स अपने फेस को जो है सेट कर लिया था। तो ब्रॉन्ज़र जो था मेरे को इतना पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं ब्लश यूज़ करूँगी। ब्लश वॉज ओके ओके एंड हाईलाइट वॉज ओके ओके। सो ये पैलेट के लिए मेरे रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं। इट वॉज 4 out of 10 मैं कहूँगी। सो एक्चुअली ये पैलेट मेरे को ज्वाइनिंग सब्सक्राइबर के लिए मेरे को फ्री मिला था। सो हाइलाइटर आप देख सकते हो थोड़ा इम्प्रेसिव है, ब्लश भी थोड़ा इम्प्रेसिव है। रेस्ट सेकेंड अब मैं जो है अपना मिल्क एंड हनी का हाइलाइटर पैलेट जो है एज अ आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। सो इट वॉज गुड। तो मैंने जो पहले हाइलाइटर लगाया था मैंने रिमूव कर दिया अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से। नेक्स्ट में ये पैलेट एज अ हाइलाइटर आइज़ पे आप देख सकते हो, इट वाज ऑसम मैं कह सकती हूँ। और मैं स्वाचेस कर रही हूँ तीनों चारों हाइलाइटर्स का। यू कैन सी आई लव दिस पैलेट। उसके बाद ये मेकअप रिमूवर का जो पैकेट मैंने आपको दिखाया था ज्वेलअप का, इसने ओनली 2 times में रिमूव कर दिया। अभी मैं जो है लिप बाम भी आपको दिखाऊंगी। जो लिप बाम मैंने मिला है तो मैंने बीबी क्रीम से और जो अपना सेटिंग पाउडर था उससे सेट कर लिया था। और ये जो ब्लश मेरा जो है उसको मैंने एज अ लिपस्टिक आप कह सकते हो, और ये मिल्क एंड हनी का हाइलाइटर अपने लिप्स पे लगा लिया। उसके बाद जो लास्ट मेरा प्रोडक्ट रहा है KNDR ब्यूटी का लिप मास्क, वो मैंने अप्लाई किया है। सो इट वॉज़ द फाइनल लुक। सो या थैंक यू फॉर द वॉचिंग।